फाइनली जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद मैं पहुंच गया हूं पूरी बीच। पूरे 4 घंटे लग गए मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। आपने तो देखा ही, देखेंगे इस वीडियो पे कितने लोग थे वहां पे। 4 घंटे बाद अभी मैं जगन्नाथ पुरी के दर्शन के बाद आ चुका हूं पूरी बीच में। ये पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था, बंगाली रेस्टोरेंट, तो वहां पे मैंने खाना भी खाया पूरा फैमिली के साथ। मम्मी आई है, दीदी है, भाई है, जीजू है। खाने के बाद अभी मैं फिर से बीच में थोड़ा सा चक्कर काट रहा हूँ। उसी बहाने आप लोग को भी पूरी का थोड़ा सा पूरी बीच में थोड़ा दर्शन कर रहे थे। कैमल्स भरा हुआ है, कैमल्स है, हॉर्सेस है। खाने के तो पूरा बोलो पूरा मंडी लग पड़ी है खाने का। जो खाना है वो मिल रहा है यहाँ पे, जो खाना है, मच्छी, क्रैब्स, ये देख लो क्या क्या है, पता नहीं मुझे। लेडीज़ को बैग वैग खरीदना है तो यहाँ पे लोकल कल्चर के हिसाब से कुछ बैग बनाए हैं। अच्छा दिख रहा है बैग तो, दिखने में तो अच्छा ही दिख रहा है। 100 रुपये में एक बैग, जो भी खरीदो 100 रुपया, जो भी खरीदो 100 रुपया, सस्ता है यार तो कोई भी। चलो मैं और भी खाने की चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ खाना बहुत भरा पड़ा है यार, खाना मतलब इतने सारे खाने, क्या दिखाऊं क्या नहीं। चलो और दिखाता हूँ, ये देख लो। ये देखो मच्छी, पूरा फ्राई मच्छी है, फ्राई क्रैब्स है, बहुत कुछ है यहाँ पे। इसे पूरा भरा है यहाँ पे। नारियल पानी वाला, नारियल पानी वाला, ये यहाँ से पानी पूरी का काउंटर चालू हो गया। और जिसे भी पानी पूरी खाना है ये लाइन में आना है। ये मार्केट जिसको अभी शंख से बना हुआ चीज यहाँ सब भरा पड़ा हुआ है।